बिलासपुर के गोरेला में निजी संस्था में 11 दिन पहले काम करने आई युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। मामले में संस्था का कोई भी जवाबदार व्यक्ति सामने नहीं आया, तो वहीं परिजन युवती की मौत के पीछे संस्था के जवाबदार लोगों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस मामले में बच्ची के शुगर बीमारी होने की बात कह रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की सही वजह सामने आने की बात कह रही है। महाकाल ट्रेडिंग इस संस्था में छत्तीसगढ़ के एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लगभग 2 से 2500 युवक युवतियां कार्यरत हैं, जो स्थानीय लोगों के यहां किराए से रहते हैं। मकान मालिक भी पुनः अपने घरों के आश्रय देते हैं और बदले में उनसे किराया वसूल करते हैं, परंतु किराएदार की कोई भी जानकारी गोरेला थाना को उपलब्ध नहीं करवाते। 2 से 3 बार मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी है। पूरा मामला गोरेला थाना क्षेत्र के समता नगर इलाके का है, जहां पर महाकाल ट्रेडिंग कंपनी में काम करने वाली 20 साल की युवती को उसके साथ में काम करने वाली सहेलियों ने 112 आपातकालीन वाहन से MCH हॉस्पिटल लाया गया, पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर लिया। मामले की जानकारी अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर गोरेला पुलिस मर्ग कायम कर लिया है। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती रागिनी साहू अनूपपुर के भालूमाड़ा क्षेत्र की रहने वाली थी और पिछले 11 नवम्बर को ही संस्था में प्रवेश लिया था। रागिनी की अचानक हुई मौत की जानकारी मिलने के बाद पूरे परिजन ने संस्था के जवाबदारों पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं रागिनी अपनी सहेलियों के साथ एक ही छोटे से कमरे में साथ रहती थी। सहेलियों की माने तो रागिनी शुगर की मरीज थी और इंसुलिन भी लेती थी, पर मौत हो जाए ऐसा कोई लक्षण रात में नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं गोरेला पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई रागिनी साहू की मौत के मामले में शुरुआती रूप से शुगर की मान रही है, पर सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आने की बात कही जा रही है। आपका शिव कुमार, आप यहाँ पे किस कंपनी में हैं? क्लेश ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ की है? ये सर भारत की है। भारत की तो है, यहाँ संचालक कौन है इसका? यहाँ के संचालक कुछ नहीं, हम लोग सर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं। हम लोग खुद बिजनेस का, हम लोग खुद अपना खुद बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपकी एक कलीग की आज मौत हुई है? जी सर। आज आपकी एक कलीग की जो आपके व्यवसाय में काम करती थी, उसकी एक मौत हुई है अभी। तो तबीयत ठीक नहीं था सर उसका, शुगर पेशेंट थी वो। शुगर पेशेंट थी वो, ठीक है जी सर। आप उसको देखने के लिए आए थे? जी सर आए थे। तो जब आप देखने के लिए आए थे, उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? सर उस समय जो है उतना पेशेंट सीरियस नहीं थी वो सर। अच्छा। हमें लगा कि ठीक हो जाएगी। उसके साथ एक और भी लड़की है, वो भी शुगर पेशेंट है, तो वो भी उसी सीरियस में, तो वो ठीक थी और इंजेक्शन लगाती थी पहले से 2 टाइम्स। लेकिन साथ में जो लड़कियाँ रह रही हैं, उनका ये कहना है कि रात में ही तबीयत बिगड़ी है। जी सर 12-1 बजे। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रही हैं। नहीं तो सीरियस तबीयत बिगड़ा है सर, लेकिन रात में जो है सीरियस नहीं थी ज़्यादा, उस लायक नहीं थी कि हॉस्पिटल ले जाएं। आपके प्रबंधन की जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं बनती है? क्या चीज़ सर? आपके प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी बनती है आपके कर्मचारियों के प्रति कि नहीं बनती है? मतलब सर नहीं समझा मैं। मतलब ये कि अगर आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से 2 के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है उसमें? ये तो सर इतना जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग साथ में कुछ भी परेशानी आता है साथ देना उन लोगों को, और हम लोग सब मिल के करते हैं, भाई बहन के स्वरूप हम लोग मान कर काम करते हैं। मतलब यहाँ पे आपका बॉस कोई नहीं, आप ही बॉस है? सर हम बिजनेस का, हम खुद अपना हम ये है, मतलब हमारा कोई बॉस नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? कहाँ से हैं? यहीं सर अमरकंटक क्षेत्र से। बिजनेस ज्वाइन करने के लिए किससे संपर्क करते हैं? बिजनेस ज्वाइनिंग से यहाँ पे फ्री है सर, हम लोग जो पैसे लगाते हैं उसके बदले हमको प्रोडक्ट्स मिलता है यहाँ पे, और प्रोडक्ट्स बेचने का काम करते हैं हम लोग। संपर्क किससे करना पड़ता है? ऑफिस है सर। ऑफिस कहाँ है वही तो पूछ रहे हैं? यहीं पे सर गोरेला में है। तो वहाँ के हेड आप हैं? हेड कोई नहीं है सर वहाँ का। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वहाँ से, और काम करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, दुकान है वो। यहाँ बच्चियों का ये कहना है कि 17,000 रुपये ज्वाइनिंग फीस ली जाती है और उनसे ली गई है, और आप कह रहे हैं ऐसे ज्वाइनिंग नहीं लगता है सर, ज्वाइनिंग फ्री है इस बिजनेस में डायरेक्टली। अच्छा। और जो हमने पैसा लगाते हैं उसके बदले में हमको ट्रेनिंग किट यानी पैसे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं पूरा। अच्छा। और कुछ पैसे हम लोग जो अपने रूम रेंट के लिए लगाते हैं, और कुछ पैसे खाने पीने के लिए पर्सनल के लिए, वो बाकी कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं लगता है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु सिंह। आप लोग यहाँ रहते हैं? क्या आपका व्यवसाय है, कैसे रहते हैं आप? तो कितने लोग रहते हैं? सर हम लोग 10 लोग रहते हैं। 10 लोग जी। तो ये छोटे से कमरे में आप लोग 10 लोग रहते हैं, कैसे रह पाते हैं यहाँ? सर हम लोग अपने पैसे से रहते हैं, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा आपके साथ में जो रूममेट थी जी, उनकी रात में तबीयत बिगड़ी थी, क्या हुआ था उनको, कुछ जानकारी है आपको? सर उसको शुगर पहले से था, मतलब इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह वो लेते रहती थी, और फिर रात में पता नहीं अजीब टाइप का कैसे करने लग गई थी, मतलब बहुत चिल्ला रही थी और आवाज कर रही थी कि मोरदाई मोरदादा तोर पापा ऐसे करके, और बहुत चिल्ला रही थी और बोल रही थी मैं आ रही हूँ ऐसा करके चिल्ला रही थी बहुत। रात में कितने बजे इनकी तबीयत बिगड़ी थी?
सर 12 बजे से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुआ था, फिर मतलब हम लोग झड़वाए तो वो कुछ ठीक हो गई थी, सो गई थी। फिर सुबह सुबह फिर कैसे मतलब शांत थी, सुबह उतना ही चिल्ला रही थी, फिर पता नहीं कैसे कैसे वो हो गई। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, कहाँ पे है? सर महाकाल ट्रेडिंग। महाकाल ट्रेडिंग। आपके बॉस का कुछ नाम है, क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार, ये कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जी, महाकाल ट्रेडर्स में जी सर, यहीं रहते हैं। अच्छा, तो वो नहीं आए क्या अपने कलीग को देखने के लिए? सर आए थे। हाँ जी, क्या बोलते तो वो सर थोड़ी ठीक हो गई थी, हम लोग झड़वाड़वा दिए थे सर। हाँ। सर क्या नाम है आपका? सर लेखन साहब। आपकी बहन जी जिसकी आज डेथ हुई है जी, ये किस कंपनी में काम करती थी? सर ये एग्रीकल्चर से संबंधित ये कंपनी है। अच्छा, और ये पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे ज्वाइन करी है। तो आज उसकी डेथ हुई है जी, पूरा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं तो पूरी जिम्मेदार यहाँ पे जो संस्था प्रमुख हैं मैं उनको मानता हूँ। क्या बताया था आपकी बहन ने, क्या कोई फीस भी ली गई थी इस बिजनेस में जुड़ने के लिए? जी सर। कितनी फीस ली गई थी? इन्होंने बताया था कि 17,000 रुपये यहाँ पे लेते हैं, और उन्होंने एडवांस में 5,000 रुपये अभी जमा करी है वो, और बाकी के पैसे बाद में, अभी वो 5,000 रुपये जमा करिए। आपकी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं है सर। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इनके? मैं संस्था प्रमुख की गिरफ्तारी चाहूँगा, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं समझे। 12 बजे रात से बहन हमारी तड़प रही है, बच्चियाँ सब बता रहे हैं, हमको सवेरे जानकारी हुई कि रागिनी बीमार है, और हम देखने आए, और हमारे आने के 1-1.5 घंटे बाद वो संस्था प्रमुख आ रहे हैं हमारे पहुंचने के बाद जी सर। और बच्चियों के साथ में, अब इतने बच्चियां हैं तो उनके साथ में किसी रिस्पांस, जो जिम्मेदार हो वहां पे रहना चाहिए कर्मचारियों को ना साथ में, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए। अब ये अलग रह रहे हैं, बच्चियां अलग रह रही हैं, तो मैं तो पूरी जिम्मेदारी जो संस्था प्रमुख है मैं उन्हीं को मानूंगा। क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं अपने उनके ऊपर? उचित कार्रवाई हो सर, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। भैया क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? नरेश कैवर। यहाँ पे आप 112 में हैं जी। आपको एक महिला को लाया गया है यहाँ आपके द्वारा जी। कैसी क्या कंडीशन थी उसकी, कहाँ छोड़ा गया है? उसको बेहोश थी, उसके बाद संतोलियम हॉस्पिटल छोड़े गए। अच्छा, कुछ जानकारी लग रही है कहाँ की थी महिला? उसको तो कोटी बता रहे हैं, नाम रागिनी साहू बता रहे हैं, पीता परसरम का। बस धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।